व्यूअर साहब, मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एक नंबर को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और वो नंबर मेरे पास आउटपुट में आ जाए। पहले मैंने स्टेरी को करवाया था, अब मैं यहाँ पर जो है ना वो एक्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक्स प्रिंट हो जाएगा और उतने ही टाइम प्रिंट होगा जितने टाइम हमारी आउटपुट है। नेस्टेड लूप की वर्किंग को देखते हुए हम इसको कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एन की वैल्यू है और एन और सी टू वेरिएबल्स हैं। एन की वैल्यू 1 है जो कि आउटर लूप में यूज़ हो रहा है। आउटर लूप की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है। इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 से 10 और 15 भी कर सकते हैं। इट अपॉन ऑन यू कि आपकी क्या चॉइस है। हर दफ़ा जब भी आउटर लूप से इनर लूप की तरफ आएगा तो सी की वैल्यू 1 होगी, और इस तरह से हर दफ़ा कंडीशन ट्रू होने पर एक्स प्रिंट होगा। तो हमेशा सी की वैल्यू एन पे डिपेंड करेगी। ये जो एन वाला लूप है ये आउटर लूप है, और जो सी वाला लूप है वो इनर लूप है। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप या वाइल विद इन वाइल लूप की हम एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। अब मैं इसको व्यूअर्स कंपाइल कर रहा हूँ अल्ट प्लस F9 से, तो ये सक्सेसफुल है। कंट्रोल प्लस F9 से मैं इसको देख रहा हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिएगा, आपके पास जो भी आउटपुट बनती थी एक्स की सूरत में आपको आ गई है। तो व्यूअर्स ये आउटपुट जो है ना वो आप दे सकते हैं, और हर दफ़ा इस आउटपुट को जो है ना वो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं।